कंपैरिजन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, मैं पिछले लेक्चर से और आज के लेक्चर में बहुत बार यूज़ करूँगा, जब LCR इन सीरीज आएगा और करंट का ग्राफ आएगा, एक ही ग्राफ है मेरे पास और कोई ग्राफ ही नहीं है, बार 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 वही ग्राफ बनता जा रहा है और ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आपके सामने है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। आप बस मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें लिख भी सकते हो आप, क्या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे बताओ एक्स एल किसके इक्वल होता है, एक्स सी। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। पॉइंट नंबर वन लिखो ग्राफ पे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से घटा दूं, कम यूज करूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को घटा दूं, कम यूज करूं, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या होता है, वन बाय सी ओमेगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटा दूं, कम कर दूं, कम कर दूं, तो एक्स सी की वैल्यू ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम रखने पे, कम रखने पे एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ आर है तो आपका एक्स सी बड़ा एक्स एल छोटा है। तो लिखो इस रीजन में एक्स सी बड़ा है एक्स एल छोटा है, लिख लो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्स सी बड़ा हो जाएगा, एक्स एल छोटा होगा। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्स एल बड़ा होगा, एक्स सी छोटा होगा। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स सी बड़ा है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्स एल बड़ा है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है फिर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, फिर बराबर है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले वो ये रीजन बताओ एक्स एल एक्स सी से कैसे रिलेटेड है, तो आप ये ऑप्शन मार्क कर देना, ठीक है यहां तक? तो रीजन क्या स्पेसिफाई कर रहा है समझ में आता है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो इसके अंदर एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। और जब एक्स सी बड़ा होगा ज्यादा तो पूरा सर्किट क्या माना जाएगा, कैपेसिटिव, कैपेसिटेंस का असर ज्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट है। और अगर एक्स एल ज्यादा होगा तो पूरा सर्किट क्या माना जाएगा, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है। तो ये याद रखना,